नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडो 98 में। दोस्तों इस वीडियो में आपको यमहा XSR155 का स्पेसिफिकेशन, प्राइस, फीचर और ये इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही बारीकी तरीके से जितने भी सारे इसके डिटेल होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, साथ में हमारी वीडियोज़ भी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंजन की। तो लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 155 सीसी का ये इंजन है जो 18.6 एचपी एट द रेट 10,000 आरपीएम का ये मैक्सिमम पावर देता है। 14.7 एनएम एट द रेट 8,500 आरपीएम का मैक्सिमम टॉर्क देता है। ये 15 सेकेंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर पर हार का एक्सलरेशन देता है और इसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर हार है। इसका जो कर्व वेट है 135 केजी है। यदि इसके माइलेज की बात करें तो 14 किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज देती है। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है और रियर में मोनोसॉक्स सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, रियर में भी सिंगल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्पीड मीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर और ओडोमीटर, आपको सारे ये जितने भी मीटर है आपको डिजिटल फॉर्म में मिलते हैं। इसमें डबल चैनल ABS मिलता है, ट्यूबलेस टायर और एलॉय व्हील मिलता है। इसके फ्रंट में जो लाइट लगी हुई है LED लाइट लगी हुई है और जो इसकी टेल में लाइट लगी हुई है वो भी LED में ही लगी हुई है। दोस्तों ये जो बाइक है आपको तीन तरह के कलर में मिलने वाली है, प्रीमियम ग्रे, वाइट रेड एंड ब्लैक, ये तीन कलर आपको मिलने वाले हैं। यदि इस बाइक की बात करें ये किसके सिमिलर है तो ये जो बाइक है यमहा RH V3, KTM 125 डूक, बजाज पल्सर NS 200 और TVS अपाची RTR 200 के ये सिमिलर है। मतलब इसकी जितने भी सारे परफॉर्मेंस हैं इन सारी बाइक से मिलती जुलती ही रहेंगी। कर लेते हैं XRS 155 की प्राइस के बारे में। तो जो इसकी प्राइस है वो 1,50,000 के आसपास ही रहने वाली है और ये जो बाइक है वो दिसंबर के महीने में 2021 के दिसंबर के महीने में ये लॉन्च होने की इसकी संभावना है। तो अभी लॉन्च डेट के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि ये जो बाइक है आपको दिसंबर के महीने में लॉन्च हो जाए। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय बाय। सी या चाओ।